तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मेरे शत्रु हो। शत्रु नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तू गवाक्ष के क्रोध से बच नहीं पाएगा। कैसी माया रच दी मेघनाद ने। रुक जाइए प्रभु, मेघनाद की मायावी शक्ति से भ्रमित होकर हमारे सैनिक आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार तो हमारी सारी सेना ही नष्ट हो जाएगी प्रभु। हनुमान, ये मेघनाद की उस मायावी चक्र की शक्ति का प्रभाव है। वो इसे हमारे विरुद्ध प्रयोग कर रहा है। देख लिया हनुमान, अपने कहे का परिणाम, तुम्हारी अपनी सेना ही एक दूसरे की शत्रु बन बैठी है। इन दोनों नारद सुग्रीव को बचाने वाले हनुमान, मेरे चंगुल में फंसी अपनी सेना को कैसे बचाओगे तुम? लाखों वानर एक दूसरे के रक्त के प्यासे। आनंदम। यदि मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेघनाद, ये माया युद्ध छोड़ो। यदि सच्चे योद्धा हो तो सामने से आकर युद्ध करो। मेरे योद्धा होने के लिए मुझे तुम्हारे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मेरी मायावी शक्तियाँ ही मेरे योद्धा होने का प्रमाण है। अब देखो मेरी मायावी शक्तियों की भयंकर रक्त क्रीड़ा। बस, बहुत क्रीड़ा कर ली तुमने। जय श्री राम। कोई क्रीड़ा नहीं कर पाओगे तुम मेघनाद। दुष्ट वाला। दुष्ट वाला। तुमने मेरे मायावी अस्त्र को तो तोड़ दिया, किंतु मेरे माया के ब्रह्मजाल में फंसे अपने वानर सैनिकों को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक दूसरे के प्राण ना ले। मेघनाद, रुकिए, रुक जाइए, रुकिए, क्या कर रहे हो सब लोग? रुकिए, जंगला जंगत क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको आपस में युद्ध नहीं करना, राक्षसों से करना है। महाराज सुग्रीव, आपने प्रभु को वचन दिया था कि आप अंगद की सदैव रक्षा करेंगे, और आप ही और युवराज अंगद तुम अपने ही काकाश्री से युद्ध कर रहे हो जिनका तुम सम्मान करते हो। ये सम्मान के योग्य नहीं, वध के योग्य है। वध तो तेरा होगा, मेरे हाथों मर काट। नहीं महाराज सुग्रीव, रुक जाइए। अरे जय श्री राम। मुझे क्षमा कर दो मित्र। मुझे भी क्षमा कर देना मित्र। पुत्र अंगद, काकाश्री, क्षमा कर दे मुझे मित्र। मेरे सम्मान अस्त्र का प्रभाव नहीं टूट सकता।
नहीं जुड़ सकता। मेघनाथ की माया से ये अभी तक परिचित नहीं है। अब ये दुष्ट मेघनाथ क्या करने वाला है? बात कर लिया तुम वानरों ने इस नर के नाम का जाप, और अब ना तो ये नर जीवित रहेगा और ना इस नर के नाम का जाप करने वाले वानर। परमपिता ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि माया का बंधन हो या कोई अन्य बंधन, इन्हें किसी पाश में नहीं बांधा जा सकता। तो प्रभु श्री राम तो साधारण नर के रूप में है, क्षत्रिय धर्म की मर्यादा में बंधे होने के कारण कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। कैसे सामना करेंगे प्रभु इस नाग पाश रूपी अस्त्र का? प्रभु और लक्ष्मण जी तो नाग पाश में फंस गए, अनर्थ हो गया ये तो, स्तंभित कर दिया है नाग पाश ने प्रभु और लक्ष्मण जी को। अभी तो केवल स्तंभित हुए हैं ये दोनों, किंतु दोनों के प्राण लूंगा मैं अपने नागास्त्र से। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण, प्रभु, भैया लक्ष्मण, नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता। नेत्रों के समक्ष ये सब हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। धिक्कार है मुझ पर और मेरे बल पर।
आनंदम अति आनंदम। दुष्ट मेघनाद। प्रभु लक्ष्मण भैया ये क्या महान अर्थ हो गया प्रभु। साथियों की ये दशा। प्रभु प्रभु आपका ये भक्त कैसा हृदय विदारक दृश्य देखने के लिए विवश हो गया है। जब मेरे प्रभु मूर्छित हैं, तो हनुमान क्यों किसी भी पाश में न बंधने के वरदान से सुरक्षित है। मुझे क्षति न पहुंचने का बस एक ही कारण हो सकता है प्रभु, कि ये भक्त आपकी और सेवा कर सके। और सेवा कर सके प्रभु। उठिए प्रभु, आपको और वानर सेना को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रभु। आप तो धर्म युद्ध कर रहे हैं प्रभु। प्रभु इसी कारण आपने अपना धनुष नहीं उठाया, जिसका अनुचित लाभ उठाकर मेघनाद ने छल से नागपाश का वार किया प्रभु। परंतु धर्म के पथ पर चलने वालों की परीक्षा अवश्य हो सकती है, किंतु पराजय कदापि नहीं। इस नागपाश का तोड़ अवश्य होगा। उठिए प्रभु, मुझे इसका तोड़ बताइए। वचन देता है आपका ये भक्त हनुमान सृष्टि के किसी भी कोने से उसे ढूंढ लाएगा प्रभु। आप बस उठिए। कोई तोड़ नहीं है नागपाश का, उसका प्रभाव अवश्य होकर रहेगा। कल प्रातःकाल लंका में सूर्य की प्रथम किरण प्रवेश करते ही संपूर्ण वानर सेना का अंत हो जाएगा पिताश्री। और इतना ही नहीं, उस वनवासी की मृत्यु के साथ ही देवी सीता आपकी हो जाएंगी। क्या हुआ पिताश्री? कल जब मैं युद्ध में असफल होकर लौटा था तो आपने मुझे कितने कटु वचन कहे, किंतु आज जब मैं राम लक्ष्मण उसकी शत्रु सेना को मरणासन कर लौटा हूं, आपके मुख पर प्रसन्नता का एक भी चिन्ह नहीं। प्रसन्नता मुझे अवश्य होगी पुत्र, परंतु तब जब ये समाचार वो सीता सुनेगी, वो तड़पेगी, तब मुझे प्रसन्नता होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी अनिष्टकारी शक्ति ने भीतर से जकड़कर बांध लिया हो मुझे। चित्र बात है या कोई भी नहीं है, त्रिजटानला सभी कहाँ चली गई? मेरे स्वामी, मेरे राम सब कुशल तो है ना? प्रभु उठिए, अपने भक्त पर दया कीजिए। इस संकट से उबरने का मुझे कोई मार्ग तो दिखाइए प्रभु। उठिए।
भ्राता लक्ष्मण, आप तो प्रभु के रक्षा स्तंभ है ना, आप ही कृपा करके मुझे इस अवस्था से मुक्ति कराने का मार्ग बताइए भैया लक्ष्मण, बताइए। भ्राता सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव उठिए, वानर राज सुग्रीव, आप तो वानरों के अधिपति हैं, आपको तो इस समस्या के निवारण का उपाय अवश्य ज्ञात होगा। मामा जामवंत, सदैव के समान आज पुनः हनुमान को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मामा जामवंत उठिए, मुझे बताइए कि मैं इस घोर विपत्ति पर विजय कैसे प्राप्त करूं। मामा जामवंत, मामा मामा उठिए। युवराज अंगद, नल, नील, गवाई, गवाक्ष, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? हनुमान इस संकट को दूर करने के लिए तत्पर है, परंतु इसका उपाय ज्ञात नहीं है मुझे। उठो, मेरी सहायता करो। नारायण नारायण, प्रभु की ऐसी अवस्था, हनुमान की ऐसी पीड़ा और उनकी विलापता का ये दृश्य देखना असहनीय है। मैं चाहता हूं कि सीता अपने पति उस वनवासी की पराजय और उसकी आसन्न मृत्यु का दृश्य अपने नेत्रों से देखें। जाओ, पुष्पक विमान पर ले जाओ उसे, करने दो उसे अपने पति के अंतिम दर्शन, उसके पश्चात लाचार होकर उसे मेरा कहा मानना ही होगा। क्षमा करें महाराज, मुझे ही विश्वास नहीं कि कोई श्री राम का अहित कर सकता है, तो फिर देवी सीता को यह विश्वास दिलाना और उन्हें आपके विमान पर युद्ध स्थल जाने के लिए विवश करना असंभव है। विवश करना होगा उसे, अन्यथा तुम सबको मृत्यु दंड देने के लिए विवश हो जाऊंगा मैं। जब तक दुष्ट रावण इस विमान का स्वामी है, मैं इस पर एक पग भी कैसे रख सकती हूँ? और मुझे ये ज्ञात है कि मेरे स्वामी को कोई क्षति नहीं पहुंची होगी, इसलिए मुझे जाना स्वीकार नहीं। चलना तो तुम्हें होगा ही, अन्यथा हट करोगी तो हम तुम्हें बलपूर्वक लेकर जाएंगे। देवी सीता, मैं जानती हूँ प्रभु श्री राम को कुछ नहीं हो सकता, ये भी लंकेश रावण का कोई मायावी प्रपंच है जो अधिक समय तक नहीं छिपेगा, इसलिए आप रणभूमि चलिए और अपने स्वामी के दर्शन का सुख प्राप्त कीजिए। हाँ माता, मैं भी चलूंगी आपके साथ, मेरे पिता विभीषण जी भी वहाँ हैं, मैं उनका कुशल क्षेम भी जान लूंगी। मैं लंकेश रावण के भय से आपको अपने साथ चलने के लिए बाध्य नहीं कर रही, मुझे ज्ञात है कि प्रभु के दर्शन के लिए आप अग्नि पर से चलने के लिए भी प्रस्तुत हो जाएंगे, फिर इस विमान से चलने में संकोच क्यों, जिसे लंकेश रावण ने महाराज कुबेर से छीना था। मेरा कहा मानिए माता, प्रभु दर्शन के इस अवसर को मत गवाइए। प्रभु, भैया लक्ष्मण, हे
धर्म पथ पर चलने वालों को अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु हमें प्रत्येक चुनौती के लिए तत्पर रहना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.